बोला उसका? देखो एज ए स्पोर्ट्समैन डिफरेंट है, बाहर से बोलना बहुत ईजी है, लोगों का काम हो गया आजकल बोलना और पैसे कमाना। तो मैं नहीं समझता कि हाँ आप इस चीज़ को आप पर्सनली लेकर बोल सकते हैं किसी के उसमें। हर किसी स्पोर्ट्समैन को इंजरी होती है मेरे हिसाब से, कि आप उसको निगेटिव ना लें, पॉजिटिव वे में जाएँ। मैं भी 2015 में इंजर्ड हुआ था, उसके बाद बाउंस किया। ठीक है, अच्छा लगता है कि आप एक टॉपिक पे बात करें, समझ में आता है कि आप उस पर बात करें ना, कि दो चार मैच से आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते, दो चार मैचों से आप उसकी जो एबिलिटी है उसको आप इग्नोर नहीं मार सकते। बुमराह ने जो आपके लिए करके दिया है आप उसको कैसे भूल सकते हो, या उसको कैसे आप इग्नोर मार सकते हो। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव में अगर पॉजिटिव जाओगे तो आपके प्लेयर्स के लिए भी अच्छा है, बच्चे के कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा है, सारी चीज़ों में इम्प्रूव होता है उसमें। कौशिक आपका होम सीजन इतना अच्छा रहा, यहाँ पे आके किस टाइप का एडजस्टमेंट करना पड़ता है आपको रेड बॉल क्रिकेट में? देखो लोग तो डिफरेंट डिफरेंट नाम देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सोचते हैं, क्योंकि अगर एक मैच किसी का ख़राब चला जाए तो मेरे हिसाब से लोगों का नज़रिया चेंज होने लगता है। तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए, स्पेशली रेड बॉल हो या वाइट बॉल हो, आपको स्किल्स का पता है कि किस फॉर्मेट में आपको कैसी बॉल यूज़ करनी है, किस जगह पे आपको बॉल डालना है, काफ़ी मैच्योर्ड है, एक्सपीरियंस है सबके पास। तो मेरे हिसाब से स्पेशली रेड बॉल के हिसाब से आप ज़्यादा चेंज ना करें तो बेटर है। रेड बॉल में आप एरियाज स्पेशली, जैसे यहाँ आप लास्ट टाइम जो आप रिपीट नहीं कर सकते चीज़ें, लेकिन आपको हमेशा रेड बॉल से आपको अच्छे एरियाज देखने होंगे। आप जब अच्छे एरिया में डालोगे डजेंट मैटर विकेट निकलता नहीं निकलता, लेकिन आपको रन रोक के चलना होगा। वही एक टेस्ट क्रिकेट का एक मज़ा है। देखिए वो बाउंस के ऊपर रहता है, क्योंकि हम इंग्लैंड में खेलते हैं वो डिफरेंट बाउंस होता है, आप ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं वो बाउंस अलग है, यहाँ पे एक बाउंस अलग है। क्योंकि पिछली बार जब आए थे आपने देखा था पाटा विकटे थी यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे जैसे प्रैक्टिस मैच में हम खेले हैं थोड़ा जूसी है, थोड़ा सा ग्रीन मिला है, तो वहाँ का लेंथ अलग हो जाता है, वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा उस हिसाब से। देखिए किसी भी फॉर्मेट हो, किसी भी गेम हो, किसी भी लाइन में मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है आपका। क्योंकि आप पैनिक जल्दी नहीं होते, आपको कंडीशंस का पता होता है कि आपने क्या फेस किया है, पहले भी आप फेस कर चुके होते हैं। तो मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस बहुत वैल्यू रखता है उस जगह पे। और मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस के साथ आप जब जो यंगस्टर को लाते हैं तो आप ज़्यादा जल्दी मैच्योर कर पाते हैं उसको। तो अगर आप उसको साथ लेकर चलते हैं तो मेरे हिसाब से हमारे पास भी जो यंग लड़के हैं जो हैं अभी, हम उनको कैरी करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से जल्दी से उनको ऐसा लगेगा नहीं कि हम यंगस्टर हैं या फिर सीनियर जूनियर वाली बात।